प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले दिनों बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में आए थे तो उस मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव ने जब अपना छोटा सा संबोधन किया, अपना भाषण किया, तो लिखा हुआ भाषण पढ़ने में वो कई बार अटके थे। तेजस्वी यादव को विधानसभा के अंदर हमने कई बार बहुत धारदार भाषण करते हुए, सदन में वक्तव्य देते हुए सुना और देखा है। तेजस्वी चुनावी रैलियों में अच्छा बोलते हैं, तेजस्वी के पास शब्दकोश की कमी नहीं है, तेजस्वी के तेवर जो है वो एक अच्छे राजनेता के दिखते हैं, एक अच्छे वक्ता के तौर पे। लेकिन आखिर क्या हुआ था कि बिहार विधानसभा वाले मंच पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और उन दोनों नेताओं के बीच तेजस्वी यादव बार बार अपने संबोधन में अटक गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घबरा गए थे, नर्वस हो गए थे। ये बात हमें भी लगी थी, ऐसा लगा था, क्योंकि तेजस्वी यादव अमूमन इस तरह से संबोधन नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव का भाषण ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव बिना लिखा हुआ भाषण जब पढ़ते हैं तो उस भाषण में, संबोधन में धार देखने को मिलती है, कई मौकों पर ऐसा हमने देखा है। तो आखिर क्या हुआ, क्या वाकई प्रधानमंत्री के सामने तेजस्वी यादव घबरा गए थे? क्या नीतीश कुमार के सामने और नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव की बोलती बंद हो गई थी? एक राय ये आई, दूसरी राय ये आई कि तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कहने लगे कि तेजस्वी कम पढ़े लिखे हैं, लिहाजा वो हिंदी में लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता है। राजनीति में ऐसे आरोप लगते हैं क्योंकि विरोधी आपके सामने वाले इसी तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन जो भी हो, तेजस्वी यादव का संबोधन उस दिन अच्छा नहीं हुआ, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा तेजस्वी संबोधन या भाषण करते रहे हैं, कम से कम वैसा प्रदर्शन उस दिन नहीं था। तो वजह क्या थी? क्या तेजस्वी यादव का वाकई ये भाषण जो लिखा हुआ था वो बहुत ही कठिन शब्दों के साथ लिखा गया, इस वजह से तेजस्वी अटक गए? कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और आज देखिए, 12 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे, आज 15 तारीख है, और इन 3-4 दिनों में इस बात की सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे, राजनीतिक बयानों में इसकी खूब चर्चा हुई है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर सामने आई है तेजस्वी के आई चेकअप की। हमारे पास कल देर रात ही सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि तेजस्वी यादव की आंख में परेशानी। अब तेजस्वी यादव की आंख में परेशानी है, यह खबर अगर हमको किसी ने बता दी, किसी सोर्स ने बताया, तो हम इसे कैसे सही मान ले? हो सकता था जेब मिटाने के लिए खबर बताई गई हो। लेकिन आज फर्स्ट बिहार के पास वो तस्वीर है, जिस तस्वीर में तेजस्वी यादव आई स्पेशलिस्ट के पास बैठे हुए हैं। बजाप्ता जो डॉक्टरों की तरफ से आई चेक के लिए मशीन होती है, वो मशीन लगाई हुई है और तेजस्वी का आई चेकअप किया जा रहा है। हमने इस तस्वीर को लेकर के अपनी छानबीन की और छानबीन में ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव की आंख में वाकई परेशानी है, और इस परेशानी की वजह से ही तेजस्वी यादव उस दिन लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव जब भी बोलते हैं तो वो ना तो लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं, ना टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं, ना ऐसी कोई स्थिति होती है राजनीतिक रैलियों में, चुनावी संबोधनों में, विधानसभा के अंदर। तेजस्वी जब भी संबोधन करते हैं तो लिखा हुआ भाषण नहीं ले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो मंच था और विधानसभा के इस बड़े मंच पर उनको महज 3 मिनट का वक्त दिया गया था। तो तेजस्वी यादव नटसेल में, मतलब छोटे में, संक्षिप्त में, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करना चाहते थे। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने भाषण अपना लिख करके वो लेकर के गए थे। लेकिन एक गलती ये हुई कि तेजस्वी यादव शायद उसको पहले से प्रीचेक उन्होंने नहीं किया, संभव है ये बात। इसलिए जब वो डैश पे पढ़ने लगे तो उनको संभवतः जो परेशानी उनकी आंख में है उसकी वजह से समस्या शुरू हुई। और आप कितने भी बड़े राजनेता हो, अगर आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं और लिखी हुई बात कर रहे हैं, तो एक बहुत नेचुरल सी जो बात निकल करके आती है, आप हम कोई भी, वो ये निकल करके आती है कि अगर आप किसी संबोधन के बीच में अटक गए एक बार, तो आप बार बार अटकते हैं, आप उन शब्दों को तलाशते लगते हैं जिन शब्दों पे आप फंसे हुए हैं। और एक सामान्य सी शैली ये होती है कि जब आप किसी भाषण या संबोधन या आप न्यूज रीडिंग ही करते हैं, अगर आप अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो चीजें आप उच्चारण कर रहे हैं, जिन बातों का, जो आपकी जुबान से चीजें आ रही हैं,
उससे आगे के कंटेंट को आपको देखना पड़ता है एक न्यूज रीडर के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे, इस बात को हम भली भांति जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपके सामने वर्ड्स जंबल करने लगे, अगर आपकी आईसाइट कमजोर हो, तो वैसी स्थिति में आप बहुत परेशानी फेस करेंगे और ये चीजें आपको अनकंफर्टेबल कर सकती हैं, असहज कर सकती हैं। संभव है तेजस्वी यादव के साथ यही चीजें उस दिन हुई और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव अपनी आई चेकअप करवा रहे हैं। उन्होंने ये महसूस किया उस मंच पर संबोधन के दौरान अटकने के बाद कि शायद उनकी आंखों में परेशानी है, वो डॉक्टरों के पास गए हैं। और ये भी हम अपनी खबर के जरिए बता रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव को आप चश्मे के साथ देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उनका आई पावर जो है वो ज्यादा है, तो डॉक्टरों ने शायद उनको चश्मा लगाने की सलाह दे दी है। तो इसके लिए तैयार करिए, तेजस्वी थोड़े देर में आपको चश्मे के साथ नजर आएंगे। हो सकता है हमारी खबर से बहुत लोग इत्तेफाक ना रखें, बहुत लोगों को लगे कि तेजस्वी यादव ये एक बहाना तलाश रहे जिस तरह उन्होंने भाषण दिया, संबोधन दिया। लेकिन आप हमारी खबर से इत्तेफाक रखिए या ना रखिए, आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि तेजस्वी यादव एक अच्छे वक्ता है। अगर नहीं यकीन हो या आपको लगता हो कि ऐसा नहीं है, तो पिछला रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए तेजस्वी यादव ने किस तरह से संबोधन किया है इसी विधानसभा के अंदर। और ऐसा किया है कि नीतीश कुमार, जो चाचा नीतीश कुमार है, वो भी उन पर नाराज हो गए थे। और एक दौर था जब उन्होंने सदन में कह दिया था कि ये मेरे दोस्त, भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं बर्दाश्त करता हूं। वो चीखना चिल्लाना नीतीश कुमार का आप नहीं भूले होंगे, तेजस्वी यादव का भाषण भले आप भूल जाइए। लेकिन हाँ, अगर तेजस्वी यादव के आंख में परेशानी है तो इनको इस बात को उन्होंने इग्नोर किया, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है। फिलहाल अभी जो हमारे पास तस्वीर आई, जो हमने छानबीन की, उसके मुताबिक जो अपडेट था वो आपको बता रहे थे। आगे और भी अपडेट आपको देंगे फर्स्ट बिहार पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ खबर हम केवल एक नजरिए, एक कोण से नहीं बल्कि चारों कोणों से निकाल करके लाते हैं और सबसे सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे दर्शक हमको पसंद करते हैं और हम बिहार के नंबर वन डिजिटल न्यूज नेटवर्क हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर अच्छी लगी तो साझा करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के लोगों को बताइए कि फर्स्ट बिहार पे आपको खबर कैसी दिखती है। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।